भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बिरनपुर आगजनी मामले में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्यवाहियों के लिए जमकर लताड़ लगाई। अरुण साव ने कहा कि भुवनेश्वर साहू की हत्या के आरोपियों पर कार्यवाही न करके प्रदेश की भूपेश सरकार जिस प्रकार अन्य मामलों में हिंदू युवकों के खिलाफ झूठे मामले कायम करके उन्हें प्रताड़ित कर रही थी, सत्र ने उन सभी 8 आरोपियों को दोष मुक्त करके पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। हम सबको याद होगा वो 8 अप्रैल का दिन, जब एक निर्दोष युवक भुवनेश्वर साहू का बेदर्दी से दर्दनाक तरीके से हत्या हुई थी और लगातार सरकार ने इस मामले में एक तरफा कार्यवाही की। अनेक अवसर आए जब हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कर रही है। एक तरफ जो भुवनेश्वर साहू के परिजनों ने 40-41 अभियुक्तों का नाम दिया, उनमें से केवल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, शेष की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, और सरकार एक तरफा कार्यवाही करके कभी आगजनी का मामला हिंदू समाज के ऊपर बनाया, कभी 302 का मामला बनाया और हिंदू समाज के लोगों को लगातार प्रताड़ित किया, परेशान किया। लगातार पुलिस के लोग उनके घरों में गए और बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच में दहशत और दबाव का वातावरण बनाने का काम किया। सत्र न्यायालय का फैसला आया है, वो सत्र न्यायालय का फैसला हमारी बातों को प्रमाणित करता है कि किस प्रकार से सरकार ने बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किया और जो अभियुक्त बताए थे भुवनेश्वर साहू के पिता उनके भाई ने जितनी संख्या बताई थी आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन अभियुक्तों को न पूछताछ की गई न उनकी गिरफ्तारी की गई और आज भी वो खुले घूम रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर निरपराध हिंदू समाज के नौजवानों को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनको जेल में डाला और कल जो फैसला आया है और पैराग्राफ 25 में सभी 8 आरोपियों को न्यायालय ने उपरोक्त सभी धाराओं के आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है ये फैसला दिया है। ये फैसला इस बात को बताता है कि राज्य की सरकार किस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ कार्यवाही कर रही है और आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, ये इस बात को बताता है। और इसलिए ये सरकार आज भी जो आरोपी बताए गए हैं भुवनेश्वर साहू के हत्या के मामले में 40 लगभग लोगों का नाम जो आप सब ने देखा था सुना था उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को झूठे मुकदमे में जेल में डालकर इस तरह से प्रताड़ित और परेशान किया गया है और ये लौजवाब के कारण से ये घटना हुई थी और ये किस प्रकार से आज प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात है ये इस बात को स्पष्ट करता है। माननीय न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त किया है और पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वेतन अधिकारी के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। लगातार इस विषय पर लेकर हम शुरू से कहते रहे हैं कि सरकार एक तरफा कार्यवाही कर रही है। जो भुवनेश्वर साहू के हत्या के वास्तविक दोषी हैं
उनको बचाने का काम सरकार कर रही है और हिंदू समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे बना रही है। आज जो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है उससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को झूठा फंसाए जाने का काम हुआ है और जो भुवनेश्वर साहू के हत्यारे हैं उनको बचाने का काम सरकार ने किया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषी लोगों को सजा मिल सके। एक सवाल, आजकल महिलाएं युवतियां नशे में धुत नजर आ रही है, हंगामा कर रही है, कई वीडियो आ चुके हैं, कई वायरल हो चुका है, इसमें क्या कहना है आपने? लगातार हम इस बात को कहते रहे हैं कि भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया है और आज उसका पूरा परिणाम ये दिख रहा है। और जिस सरकार को जो नौजवानों के सपनों को खोलने का काम करे, छत्तीसगढ़ को बदहाल करने का काम करे, छत्तीसगढ़ के भविष्य को खराब करने का काम करे, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का बिल्कुल हक नहीं।